साला बहुत सारा पैसा था यार। नहीं करो यूसुफ भाई, बाकी में साले ने इतना पैसा दबा के रखा है, दिल तो कर रहा भी चोरी कर लो, लेकिन उसके बाद ना मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा। साला कोई जो गेम बजा दो। चोरी करोगे अब तुम? चोरी नहीं करूंगा, अपने हक का पैसा लूंगा। इसमें कौन सा तेरा हक का पैसा है बे? तू ना ज्यादा उसका बाप मत बना, ही ना समझ साले, नहीं तो तेरे को भी आधा पैसा दूंगा। चोरी नहीं करूंगा। तूने जैसे अपने बाप के पैसे तो आज तक चुराए नहीं। बेटा आज तक पैसे नहीं चुराए, उन्होंने जलालत करी, नहीं दिए, मांगे, लेकिन चोरी नहीं करी मैंने आज तक। तू तो साले बहुत रेशम का लुपट्टा निकला है। अब कुछ नहीं, आ जा, जानवर को छोड़ कर आए यार। अबे इतनी गंदी बदबू मारने लग रहा है ना यार ये। तो जाहिर सी बात है मर गया ये। जल्दी बैठ, बारिश ने तो सत्यानाश कर दिया। ये देख ले कहीं से हिल पुल तो नहीं रहा, कहीं नीचे आ जाए। नहीं नहीं आएगा तो नहीं। बेचारा यार, पेट तो देख कैसा फूल रहा है इसका। अबे तो मर गया, जल्दी चल, इनके अंदर गैस बनने लग गई थी, फट जाते हैं वरना ये। मैं फट जाते? हाँ ना, इतनी तेज फटते मिसाइल की तरह, बम की तरह। अबे भाई क्या बात कर रहा है, बैठ जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, कसाई के पास चले, उधर से आना। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। साला बैठे बैठा है, बताओ जरा, 10-12 लाख का नुकसान हो गया यार, ये बारिश ने सत्यानाश कर दिया। यही तो, और साला हम पे गर्म हो रहा था। हम पे भी गर्म ही का हुआ, भी होगा हम जब वहाँ जाएंगे तो। इसकी मैं चमड़ी नहीं देर दूंगा, मेरे पे बिला वजह चढ़ेगा तो। सलीम को उसकी जिम्मेदारी छोड़ के गया था, सलीम की गलती है ये। सलीम भाई भर तो रहे पैसे? तो भरेगा, लेकिन कहाँ से भरेगा, उसके पास तो पैसे ही नहीं है। जहाँ से भी आएंगे वो भरेगा भाई, वो सलीम के फटी गए यार। यार मोटे देख, हम कहाँ से कहाँ आ गए। क्या मतलब? देख हमारी आवाज़ें पहले कैसी थी, अब हम बड़े हो गए। ये तो है यूसुफ भाई, पहले क्या तेरी आवाज़ कैसी थी, साले चूहे जैसी। अपनी आवाज़ देखी तूने साले, गटर के खुले हुए ढक्कन। मेरी तो अभी भी वैसी ही है जानो। क्या बात कर रहा है यार तू, मेरा तो अंदाज भी वैसा ही है, आवाज़ भी वैसा ही है, तू बदल गया। हाँ ना यार, बदल जाता है लोग, 4 साल हो गए यार, आवाज़ नहीं बदलेगी तो क्या क्या पेशाब कर लेगा कुछ भी नहीं। तू ना फारूक भाई मत बन। यहाँ कहाँ आयो? अबे वो कसाई, वो गोश्त फैक्ट्री में। इसको जानवर देंगे? तो और किसको देंगे साले, ये और कोई थोड़ी खरीदेगा जानवर, इसी को देना पड़ेगा। इसको बेचा है? अबे नहीं यार, ऐसी गरीबों में बांटने के। ये तो बदबू मारने लगा है। इतनी नहीं मारने लगा। अबे यूसुफ भाई अच्छा नहीं लगे, गरीबों को ये देगा? अबे भाई क्या करें, इसको दफना दे क्या, इतनी बदबू नहीं मारने लगा। अरे पठान है? पठान थोड़ी है ये। अबे पठान है, देख देख देख, सेम कपड़े हैं। नहीं नहीं यूसुफ भाई, देख देख देख, पठान, ओए पठान। ओ भाई क्या हो गया चूतिए? ओ भाई आराम से, मैं समझा मेरा दोस्त है यार। ओ तो भाई मौत। मैं बोल रहा हूँ तो पठान नहीं है यार। ये फैक्ट्री वाला बंदा किधर है? ये वहाँ खड़ा हुआ जानवरों के पास। अबे इधर भी गाय है। हाँ ना, ये वो है ना अपना, क्या कहते हैं यार वो, जो वो होता है जहाँ से गोश्त कट के आता है, तबेला। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम मान जी, कैसे आना हुआ यहाँ पर? गोश्त चाहिए भाई, 1400 रुपए किलो गोश्त। अब भाई गोश्त देने नहीं, लेने आओ, लेने नहीं देने आया हूँ। देने आया हूँ, ये तो दुनिया में पहली बार मैंने ये काम देखा। अच्छा बताओ क्या हुआ? वो आपसे फोन पे बात हुई थी ना यार, एक बुढ़े चाचा की, उनको जानवर मर गया था मंडी में। वो लाल बछड़ा यार, वो बड़ा नुकसान हुआ है। किधर है वो? वहाँ पीछे, वो सुजुकी में, वो वाली सुजुकी में, देख रहे पीछे। अरे यार कैसे मर गया? ये बारिश हुई थी ना यार, ध्यान नहीं दिया यार, बीमार हो गया, बस झटके में मर गया ये। बताओ जरा, हो जाता है यार। ये आपके जानवर है? हाँ। तो ये इतने तगड़े जानवर आप काटते हो? अबे नहीं, ये तो पालने के, ये मैं बकरीद का सीजन है ना तो ये बेचता भी हूँ ना। अभी माशाल्लाह से मैंने 35 जानवर बेच दिए। 35 जानवर बेच भी दिए? हाँ ना, अभी 8 दिन हुए। तुम्हारे कितने बिक गए? हमारे हमारा तो एक भी नहीं बिका। हमारे 15-20 बिक गए, 15-20 बिक गए। अच्छा अच्छा, लेकिन ये भाई कह रहे कि एक भी नहीं बिका। नहीं नहीं 15-20 बिक गए, ये भाई तो चूतिया, इनको छोड़ो। है कुछ भी मतलब यार, कहीं तो इज्जत रख ले। हाँ अच्छा चलो, अभी करना क्या है, उसका पैसा दे, वो तुलवाऊँ। कितना टाइम हो गया? ये उसको 24 घंटे होने वाले। अबे अभी तक तो जानवर का बसार निकल गया होगा, बदबू मारने लग जाएगा। नहीं नहीं बदबू नहीं मार रहा, इतने पैसे नहीं चाहिए। आप इसको काटो, अगर इसका गोश्त खिलाने लायक है तो गरीबों में बांट दो, वरना इसको दफना देना। या तो आपको जो अच्छा लगे, बस कोई गलत काम मत करना कि यार के काट के तुम मार्केट में बेच रहे हो इसको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम हमारे पास नहीं होता भाई, अल्लाह गवाह, अल्लाह देख रहा है। बस सही है जानू, मैं भी निकलूं। हाँ जानवर उतरवा दो, रुक जाओ जरा, मैं अपने 2 वर्कर अंदर से बुलवा लूं। ओके भाई जाना, बुलवा लो, आप बुलवा लो। आ रहा हूँ आ रहा हूँ, ये 5 मिनट दो जरा, पानी दे रहा हूँ इनको। हाँ दे दो दे दो, आ जा मोटे। अबे भाई तुम लोग मुझे कहीं तो इज्जत दे दिया करो, तू गैरों के सामने मुझे ऐसा जलील कर रहा होता है। तेरी अपनों के सामने इज्जत नहीं तो गैरों के सामने क्या करूँगा तेरी। इधर आ जा साले ढूस। वहाँ नहीं खड़ा हो रहा, ये बदबू मार रहा है यार। अबे भाई बोल तो सही रहा, चल इधर आ जा, तब वो आ रहा, अपन सिगरेट ही पी लेते। तू और तेरी सिगरेट भाई। आहा
गुड लिफ्ट का अपना मजा 35 की हो गई है, लेकिन फिर भी मजा डबल करा रही है। चल आ जा भाई, बड़ा साला भारी था यार। मरने के बाद तो इनका वजन और बढ़ जाता है। क्या फूलने लग जाते हैं ना ये, पानी भरने लग जाता है इनमें। अच्छा चला बैठ गाड़ी में चले, गाड़ी भी धुलवानी पड़ेगी। क्यों भाई बदबू मार रही है यार। बात तो तुम सही कर रहे हो, धुलवा लेते हैं। मैं नहीं धुलवा रहा अभी, चाचा की परमिशन के बगैर कुछ नहीं कराऊंगा। इस पे साला बिला वजह मेरे में चढ़ता है फिर। अबे धुलवा ले, वो बोल देगा ना यार बदबू मार रही थी। अबे नहीं मैं नहीं करवा रहा साला, पांतों का भी ऐसे हिसाब ले रहा आजकल, पता नहीं टुकड़ों में पल रहा हूँ मैं। तो तू भी तो जाहिल के बच्चा, अपना कोई काम देख ना। क्या काम यार, काम जवान की मौत है, जितना कर लिया बहुत है। ये देख यही तो, तुझे काम करना ही नहीं है ना। तेरे हड हाथ में ना हड हरामी जो छा गई है। क्या हड हरामी? क्या जा गई हड हरामी? क्या बोल रहा है तू, मुंह से जो भी है निकाल के बात कर। तू आजकल मावा तो नहीं खाने लग गया? अबे चल मैं। वैसे मैंने कल परसों खाया था। हैं तूने कहाँ से खाया? अबे वैसे यार वो सलमान भाई के पास गया था, वहाँ एक बंदा था, मैं बोला खा पा के देखूँ, टायर्ड होता यार। तू रहने दे, इन सब चीज़ों में मत पड़। अबे कसम से मोटे मावा खा के ना बंदा ऐसे बात करता है। तू गाड़ी चला, अबे यहाँ से धुलवा ले, कहीं कार वॉश आ गया ना। अबे यार मोटे मैं नहीं धुलवा रहा, मर्जी है भाई। अब देख तू ऐसे लेके जाएगा ना, वो जब भी तेरे पे चीखेगा। कद्दू चीखेगा साले का, गला नहीं घोट दूंगा। तू देख लियो तेरे पे ऐसा चीखेगा ना। अबे फ्रैंकलिन भाई के पास से होते हुए चले, दुकान पे होंगे। दफा कर यार, कितना टाइम हो गया उससे मिले नहीं है। तो खुद नहीं मिलना चाहता, हम क्यों उसके टट्टे चाटे यार। तेरे बाप का क्या सीन है? किसका? जानवर का। तेरा बाप भी मिलने नहीं आया भाई, काफी टाइम हो गया है। तो तुम्हें आना चाहिए कि उनको आना चाहिए? अबे रहन दे, तेरा बाप हो गया बूढ़ा। तो बूढ़े तो हो गए। क्या कर रहा तू? क्या हुआ? तू सुजुकी उड़ा रहा है साले, रोडों पे हवा में उड़ी है यानी। अबे तू सुजुकी पे ध्यान दे रहा है, मैं तो साले पता नहीं क्या क्या उड़ा देता हूँ। ये देख ड्रिफ्ट चेक कर रहा है तू भाई की। तू सीधी चला ले यार यूसुफ, कसम खुदा की तेरे ना पंचायतें नहीं खत्म होती हैं। चुप कर जा बे, एक तो इस मनुष्य को सुगन नहीं है। आ जा जा लांटी किडा बे। अच्छा अभी अभी वापसी वाले रोड पे हूँ, ये फार्म वाले रोड पे आ गया हूँ। अरे अरे क्या हुआ? अरे वो गाय वो गाय को धूप में बांध रहे ना मेरे बेटे। अच्छा चला आ रहा हूँ बस फार्म वाले रोड पे हूँ। जानवर दे दिया उसको? हाँ दे दिया। चल आ जा जल्दी आ जा मेरे बेटे। क्या हुआ? कुछ नहीं पूछ रहा था तुम्हें, पता था साले का फोन वो बलता रहता है, साले वो कीड़े हैं कि हर किसी को फोन करके पूछूं। मैं दोबारा फोन आ रहा। हाँ बोलो यार, ये काम तो कर। बोला बेटे नंबर पे डर यार, वो महीने वाला पैकेज तो करवा दे यार। क्या भाई मैं आ गया फार्म वाले, ये बोर्ड नजर आ गए मुझे तुम्हारे बोर्डों के पास। अरे यार मैं आ रहा हूँ ना, मोबाइल से कर लेना। मोबाइल से कैसे होता है मेरे बेटे? लांटी डिजिटल जमाने में जी रहा तू, और लांटी के बच्चे डिजिटल जमाने के जीने के बच्चे, आके मोबाइल से कर दियो। चल आ जा जल्दी आ जा। आ गया आ गया, बोला बैलेंस डलवा दे। अरे भाई अब तो मोबाइल से ही हो जाते हैं यार। यार वैसे सोचने वाली बात है। क्या उस साले ने 35-40 जानवर बेच भी दिया अभी, जबकि जानवर कहीं नजर भी नहीं आ रहा। ये तो है यूसुफ भाई, जानवर तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, उसने बेच भी दिया यार। साला बुड्ढा, नीली गाड़ी बुड्ढे की सुन लिया ना, अभी तेरा लव बन जाएगा वो। ये क्या करा हुआ इसने? सारे जानवरों को धूप में खड़ा करा हुआ और क्या। चला जा सही से कर, सही से साले वरना यही बिल्डिंग ना तेरे 100 लाख पे कर दूंगा। अरे कर रहा माड़ा यार। आ जा जा। हाँ लांटी आ गए तुम? आ दे दिया उसको जानवर। अरे हाँ दे दिया, बदबू मारने लगा था। अब तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, 24 घंटे उसको होने वाले, बदबू तो मारे गई ना वो यार। वो तुम लोगों ने भी तो देर कर दी ना, उसको छोड़ा ही नहीं रहा, नहीं पहले सफाइयों में लग गए। हमने बोला मर ही गया तो यार क्या ही करना उसका। हाँ बिल्कुल। ये क्या किया? सबको धूप में बांटना भाई, ताकि ये लोग किसी को तो नजर ले। और मेरे बेटे अभी डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर आएगा देखेगा। अबे कहाँ डॉक्टर वक्टर को बुलवा लिया, इंजेक्शन लगा देगा, बड़ा बिल बना देगा डॉक्टर मेरे को। तो इसको एक काम करो, पैनाडोल की 2 गोलियाँ दे दो और ORS पिला दो। अबे चल बे मेरे भाई, फदूल की बातें मत करो। हमारे बड़े भैया कहते थे जब जानवर बीमार होता है तो उसको कुटी मिर्च या फिर वो खिला दो अचार। वो लांटी के बच्चे वो जब खिलाते हैं जब जानवर कुछ खाता नहीं है। अच्छा वाली, हमारे बड़े भैया भी ना पागल के बच्चे थे मेरे भाई। ये तो है। खैर मैंने उसको दे दिया, मैंने कहा भाई वो तो समझ जाता हम बेचने आया, मैंने लगा पैसे वैसे नहीं चाहिए, इसको काटो अगर गोश्त खाने लायक है तो गरीबों में बांट दो। मैंने कहा यार गलत बयानी नहीं करना, कहे तो मार्केट में उठा के बेच दो। हाँ ये तूने उसको बोला ना, कोई लिखत पटक लिए? नहीं नहीं यार, उसने बात इतनी बड़ी कर दी थी, उसने कहा यार अल्लाह गवाह हम ऐसा काम नहीं करते। बस सही है मेरे बेटे, छोड़ बाकी वो जाने, उसका अल्लाह जाने, उसका खुदा उसका ईमान जाने। फिर
क्या पेड़? अबे वो साले ने 35-40 जानवर बेच भी दिया, मैं उसके जानवर देख कर रहा हूँ चाचा, ऐसे तगड़े तगड़े जानवर उसके। नहीं कर मेरे भाई, वाकई में हमारा तो एक भी नहीं बिका, तूने उसको ये छोटी बटा, हमारा एक भी नहीं बिका। मैंने तो नहीं बताया, मैंने तो 15-20 बोले, मोटे ने उल्टा वहाँ पे बक दिया था। ये तो लांटी है मनुष्य, अपने बाप की खराब पैदावार। क्या हो गया तुझे मनुष्य मारे? विजल भैया ना मेरे को बोला नहीं कर, मेरे को पावर मैंने दे, तेरे को ईद के बाद बताऊंगा। तू ईद के बाद पावर में आके जनरेटर में आ, तेरे को मैं देख लूंगा जनरेटर। पागल, खैर क्या करना है अभी? अरे यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा यार, तुम इस बार ना बड़े कंफ्यूज हो। अरे तो लांटी काम देख बिगड़ा, एक काम सीटा होता एक बिगड़ा, एक सीटा होता एक बिगड़ा, अब देखते कस्टमर नहीं आए। वाली मेरे को तो लग रहा है जगह का मसला, हमने बहुत अंदर मंडी लगा ली मेरे भाई, लेकिन हमने बाहर बोर्ड लगाए हुए हैं। एक काम करें, फेसबुक और टिकटॉक पे एडवर्टाइजिंग करें क्या मंडी की? ये बात तो तुम सही करो। एक काम करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। काय बात की व्लॉगिंग मेरे भाई? हाँ एक काम करते हैं, मेरे भाई एक आइडिया है। क्या बेटे? बेटे मैं ना ऐसे रैंडम बन के आऊँगा, तुम ना ऐसे तुम जानवर बेच रहे हो, मैं तुम तो सबके रेट पूछूंगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा फेसबुक पे और वीडियो यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा। क्या बात कर रहे थे? कितने बेटे? बेटे मेरे चैनल ही नहीं है। रिलांटी के बच्चे व्यूज तेरा बाप देगा उस पर? दे देंगे पेड प्रमोशन का, पेड व्यूज दे देंगे। अरे लांटे खबीर, हमें ऑर्गेनिक बनने चाहिए मेरे बेटे। जो भी है, खैर अभी क्या है? कुछ नहीं, शाला कस्टमर बुलाओ यार। एक काम कर रहा हूँ मेरे बेटे, मैं तुम सबका फायदा करता हूँ। क्या वाली? तुम में से जो भी कस्टमर लेके आएगा ना, और वो जितना जानवर बेचेगा उसको एक जानवर में से मैं 5% देगा मेरे बेटे। खाओ माँ की कसम, माँ की कसम मेरे बेटे, सच्ची बता, सच्ची में मेरे बेटे। बोटे हाँ डन है, ये डील कुछ समझ में आ रही है, फिर मेहनत भी करेंगे ना यार, मज़ा भी आएगा। देखो कैसे लालची और लांटे तुम लोग। ये क्या बात कर दी यार तुमने, चल हट जा जानवर लेकर, पक्का देगा कसम का। अरे मेरी कसम मेरे बेटे, बस तेरी मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं, तेरी कसम पे कहाँ भरोसा होगा। अरे यार ये रोजी पे बैठा हूँ, इसकी कसम मेरे बेटे, जो जितने जानवर जैसे तूने एक बेचा तेरे को उसका 5%, अगर तूने दो बेचे तो तेरे को 5-5%, यानी तेरा 10% मेरे बेटे। ठीक हो गया, ठीक है वाली, मैं तो तेरी मोहब्बत में बिना परसेंटेज के ही कर लूँगा। तू तो साले बिना मोहब्बत के मेरा बहुत कुछ हिला लेता है। क्या बहुत कुछ काम कर लेता है? ये बोल रहा है। और फाटो के गोबर जो है ना, ये बेल्टा उठाओ और जाके जाओ गाड़ना शुरू करो। हाँ ये क्या गाड़ो, पौधे आएंगे, चल आ जाओ। किधर? कस्टमर ढूंढ के आते हैं साले के, जानवर बिकवाएंगे। हाँ जा 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 जल्दी जा, शाबाश आ जा। अबे कहाँ साले, कहाँ से ढूंढेगा? ढूंढेंगे ना ढूंढेंगे, आ जा। मेरे पास एक मस्त आइडिया, अपन चलते हैं सैंडी शोर्स की तरफ, फिर वहाँ चलते हैं मंडियों में लगाते हैं। जा जा कस्टमर घूम रहा होगा ना, वहाँ की पार्टियाँ खराब कराते हैं, यहाँ खींच के लाते, क्या बोलता है? मस्त आइडिया यीशु भाई, चला जा जल्दी आ। चलो 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 साला, ऐसे आइडियाज तेरे दिमाग के दिमाग में बहुत है, बैठ जल्दी बैठ। दो जानवर भी बिकवा दिया, अगर 20 लाख के तो 2 लाख अपना कमीशन मेरे भाई। चलो चलो चलो, अब तू देख इसकी, देख साला पैसे नहीं देता ना, मंडी के आखिर में जब हिसाब का टाइम होता है तो कल्टी मान लेता है। चलो चलो यीशु भाई, ले कितना काम कर लिया। अरे हमारा कर रहा है यार, अब अगर इसमें से एक थूक की बूंद भी है ना या पानी की बूंद, चाले मैं बता दो तेरे को ना ऊपर ऐसा फ्लैट चिपकाऊंगा ना, जहाँ से वो आ रहा होगा एक पानी का कटरा भी नहीं आने दूंगा अंडर आई ना, समझ चाहे को। अरे हमारा कर रहा हूँ यार, वो फोन पे फोन आ रहा है 28,000 रुपये तो चाले मैं चंपे मारूंगा, तूने अगर 28,000 की भी बात करी, पहले काम कर उसके बाद तेरे को पैसा मिल जाएगा, आने तो तेरे चक्कर में मेरा 12 लाख का नुकसान हो गया। अरे हमारा कर रहा हूँ ना यार। वाली तू तेरी तकलीफ हो रही है मेरे भाई, तकलीफ तो मेरा बहुत हो रही है साले, घुटने में भी और दिमाग में भी। वाली मुझे लग रहा है इनको इतनी धूप देना बहुत है। अरे साले नहीं, इनको और दो और इनका चारा तो बनाओ। हाँ वाली मैं अभी रेडी करता हूँ मेरे भाई, लेकिन एक मसला है यार, हमें थोड़ा इशू आ रहा है। वाली क्या? वाली हमें बड़े बड़े थाल चाहिए यार, तो मैंने तुम लोग कहा था कुंडली बना दो। क्या बना दो? कुंडली। ये वाली दोबारा रिपीट करेगा मेरे भाई, कुंडली। थाली भाई तुमको समझ आ रही है? नहीं। लांटी के बच्चों कुंडरी वाली, अरे जिसमें चाला खाती है। अच्छा अच्छा कुंडी कुंडरी कुंडली कुंडली। हाँ भाई 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 चाले की कुंडली। हाँ वाली चल, मैं अभी मैं लकड़ी वाले को फ़ोन करता हूँ, रुक जा मैं फ़ोन करता हूँ, उसको बोलूँगा आज रात तक मेरे को 3 कुंडलियाँ बना के दे। इधर आ जाओ सिंह ना मारे। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं चाचा वाली फ्रॉम द कराची ऑन द रोड बात कर रहा हूँ, जो तो मंडी के लिए तुम्हारे पटाख से लकड़ियाँ गई थी ना। हाँ जी हाँ जी सर जी, हुक्म और क्या चाहिए? यार ये मेरे को ना चाले की कुंडली बनवानी है मेरे बेटे। हाँ क्या बनवानी है? कुंडली। दोबारा बोले। अरे लांटी जिसमें गाय चाला खाती है। अच्छा अच्छा कुंडली। हाँ कुंडली बन जाएगी, कितनी छोटी बड़ी बिग बड़ी?
है बिग बर्डी है कौन छोटी एक्स्ट्रा लार्ज एक काम करो बिग बर्डी बना दो मेरा बेटे कितनी एक काम करो दो बिग बर्डी और 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 क्या कर रहे हैं सर साइज लेना पड़ेगा एक काम करो ना लांटी तुम्हें मैं बैठाता हूँ तुम 2.5x6 की दो बना दो सही है और 4x2 की दो बना दो ठीक है सर लेकिन मेरे को ये आज रात तक चाहिए सर आज रात तो नहीं मेरे को आज रात चाहिए मेरा जानवर भूखा है यार बड़ी परेशानी हो रही है थाल में खिलाना पड़ रहा है अच्छा अच्छा मैं कोशिश करता हूँ ऐसे दो कुंडलियाँ मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है रिपेयर करके दे दूँ चल वो दे दे जब नहीं दे देगा तो वो ले जाइए चलो ऐसा कर लेते हैं दो मैं अभी बना देता हूँ दो पुरानी है ओके मैडम बेटे खर्चा सर अभी आपसे क्या पैसा लेना तो चाहिए फ्री में बना के अरे नहीं मैडम मतलब कम बना दूंगा कम में कितना मैं बताता हूँ 55,000 रुपये दे देना लांटी के बच्चे कुंडलियाँ बनवा रहा हूँ घंटी बनवा रहा कमी ना तो मैं आप बता दूँ 12,000 की तो मार्केट में मिल रही है सर वो ऐवे ही होती है मैं आम की लकड़ी की बना के दूंगा नहीं नहीं तू पीतल की लकड़ी की बना दे मेरे बेटे हाँ मेरे को खाली 15 दिन तो चलानी है चलो ठीक है मैं बना देता हूँ आप बता दो बजट 20-25,000 में बना के दे वो 30 की लाल लकड़ी होगी बिल्कुल मैं पानी की गारंटी भूलने की नहीं लूँगा हाँ नहीं ले यार तू मैं अंदर पेनाफ्लेक्स बिछा लूँगा चलो ठीक है आज रात तक तो पहुँचा दे ओके सर आज रात तक वो 4 कुंडलियाँ पहुँचा देगा दो पुरानी दो नई हैं दो पुरानी क्यों मेरे भाई दो पुरानी इसलिए क्योंकि जब वो नई बनाएगा ना तो वो दो पुरानी ले जाएगा चारों नई हो जाएंगी अच्छा ठीक है वाली हाँ आ जा इनको आज अब तक चारा दें यार बनाकर चाले बेचारे भूखे खड़े में यार एक तो जानवर बिकने रहे मेरे को बड़ा डर लग रहा है इस बार अपना पैसा लगाया है साला हर बार किसी और का लगा देता प्रॉफिट होता था आ जा मैं नहीं घुस रहा मुझे छींक लग जाती है बेटा मूड पीले लग आपने भाई जान टेंशन ही नहीं लेनी इतने खतरनाक और सस्ते जानवर है ना अब आप वहाँ पे वो व्हाइट वाले का रेट पूछ रहे थे कितना बता रहा था 20 लाख रुपए है ना 20 लाख रुपए अभी वही जानवर मैं आपको दिखाता हूँ मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह उससे बेहतर ही जानवर है वो आप रेट पूछना आप खुद बोलोगे यार माशाल्लाह से जानवर बहुत खूबसूरत रेट बहुत मुनासिब ये लोग हरामी है ये लोगों ने ना बस बिला वजह का हवा बनाया हुआ जानवर इतना महंगा है ये मैं आपको बताता हूँ ये पालते पूलते नहीं है ये खरीद के 1-1.5 महीना पहले रख लेते हैं फिर बोलते हैं हमने पाला है अब 1-1.5 महीने में जानवर को बंदे से लगा हो जाता है तो अब उसको ऐसे इशारे से बुलाएगा तो आएगा ही ना बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आइए आइए ये मंडी है बड़ी अंदर है यार बस ये अभी अभी बंद रही है अभी ना आ जाओ बटे आ रहा हूँ ईश भाई ओ भाई अपने तो नीचे आ जाओ आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ आइए आइए अरे पानी दे दो जाओ यार बटन बड़ा पानी दे दो यार अच्छा अच्छा अरे ये तू किसको लेकर आ रहा है खा लूँ है क्या तेरे खा लूँ नहीं है कस्टमर है कस्टमर कस्टमर वाली और आइए आइए अस्सलाम वालेकुम बेटा नाम भजन ये जो है ना मेरे चाचा हैं ये इनकी मंडी है अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम अंकल वालेकुम अस्सलाम कैसे हो बेटा बहुत अंकल मजे में चाचा ये बहुत अच्छे में क्या है खालू नहीं नहीं खालू थोड़ी बड़े भाई जैसे इनको जानवर दिखा दो यार अच्छा दिखा देंगे क्यों नहीं कहाँ से आई है जहाँ से भी आया ना तुम छोड़ो ना यार तुम जानवर दिखाओ ना अभी दिखाता हूँ आइए आइए आपको मैं जानवर दिखाऊँ अरे आप लंगड़ा रहे मसला नहीं है मैं खुद देख लूँगा अरे नहीं नहीं बस वो थोड़ा सा ना जानवर उठा देते हैं हम लोग एक जानवर भाग गया था उसने थोड़ी टकरे मार दी 2 दिन होगा अभी तक बस डट बैठा हुआ है आइए आइए वैसे आपका नाम क्या है मेरा नाम जो है ना अहमद अली अहमद अली भाई आइए आइए डर आइए कौन से आपको बच्चियाँ चाहिए बच्छटे चाहिए वैसे तो बैल चाहिए मुझे लेकिन दो जानवर चाहिए माशाल्लाह दो चाहिए आपको बड़ी रेंज है आपकी ये वाला जानवर बड़ा ये देखे ये वाला जानवर सेम ऐसे ही तो जी जी बिल्कुल चाचा इनको वहाँ पे एक मंडी में मिले ये भाई मेरे अपने बड़े भाई हैं इनको जो है ना सेम भाई अहमद भाई आप खुद बताओ ऐसा जानवर था वो बिल्कुल यही वेट यही मतलब रंग रूप भी यही था वो थोड़ा वाइट चिट्टा ज्यादा था अच्छा अच्छा जी खूबसूरत ये भी है खूबसूरत वो भी था हाँ तो फिर क्या मसला हुआ अहमद भाई बताओ वो इस जानवर के 20 लाख रुपए फाइनल कह रहा डिमांड उसने की थी 22 लाख रुपए 22 लाख रुपए हाय अल्लाह कितने डांट 4 दांत मेरा भी ये भी 4 दांत है इसके मैं कह रहा हूँ 16 लाख रुपए 16 लाख रुपए हाँ जी और आप बोलो तो अगर आपके कम रेंज है तो मैं उससे भी नीचे आपको जानवर दिखाता हूँ आइए ये देखिए एक यही सेम कलर ये ब्लैक एंड वाइट में खड़ा हुआ है ये सब थोड़ा सा हल्का है ये 1550 ठीक है और ये देखें ये वाला जो कलर है ना इसका आपको पता है नहीं नहीं यार ये थोड़ा मुझे खूबसूरत चाहिए जानवर बाहरी है लेकिन खूबसूरत नहीं है ये 15 लाख रुपए का है मैं बता रहा हूँ बाकी आपकी मर्जी है ये तीनों 4 दांत है तकरीबन मेरे पास 4 दांत के जानवर है ये बीच में जो छोटे छोटे हैं ये आइए ये कोडू नस्ल है आइए आइए डर आइए और आइए डर आइए ये कोडू नस्ल है अहमद भाई ये जो है ना आपको ये कोडू है बच्चे नहीं नहीं कोडू है ये व्हाइट वाला तो ज़्यादा छोटा है और लाल वाला तो थोड़ा बड़ा है
ये बाइट तो यार बहुत ही छोटा है यार। हाँ ये बस समझ ले कि नशा या खूबसूरती है ना ये इनकी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जोड़ी है। नहीं ना जोड़ी नहीं, सिंगल सिंगल है। ये आपको लेना है? बिल्कुल, अगर बस मैं देखे ये, मैं वजन वजन नहीं देखता हूँ, मैं खूबसूरती देखता हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे आपका बजट कितने टका क्या यार? मैं हाथ खेस टान के दो जानवर मैंने यहाँ तक लेने। देखिए मैं नहीं तो परवाह करता, मैं दो लेने आया हूँ, मुझे समझ में चार आ गए, मैं चार ले जाऊँगा। ओह वाली बड़ी पार्टी है, चुप कर जा लंटी। अच्छा अच्छा, तो आप ये देख लें, ये तो खूबसूरत लग रहा है, लाल वाला है ना। ये इसके मैं कर रहा हूँ 12 लाख रुपये। अरे क्या इतने ज़्यादा? ये नस्ल छोटी है ना, गेंडी नस्ल है, आपको पता है। अच्छा ये बात भी है, आप गेंडी नस्ल है ना, अनोखी नस्ल है, तो इस वजह से। अनोखी है कि कदरुक? नहीं नहीं अनोखी नस्ल है, कोडू अलग ही दिख रहा होता है, सेहत में भी गोल मटोल हर जगह से देखो आप माशाल्लाह से। ये दो डांटे पूरे दोनों? हाँ ये पूरे। और ये व्हाइट वाला, ये तो सस्ता होगा, तो उससे भी छोटा है। ये भी 12 लाख रुपये। ये क्यों? दोनों सेम नस्ल है, देखिए वजन का इसमें खूबसूरती का हिसाब होता है। अच्छा अच्छा, हाँ आइए आइए, मैं आपको और दिखाऊँ। बछड़ियाँ भी है मेरे पास, अगर आप बोलो तो बछड़ी भी दिखा दूंगा। आइए आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बछड़ियाँ किधर हैं? और सामने खड़ी हैं बछड़ियाँ ना, अभी यही घंटे चंटी की हैं, बिक गई हैं बाकी तो। और ये जो है ना, अभी मेरे पास और आएंगी, ये देखें, ये दो, अगर आपको तगड़ी चाहिए तो मेरे पास ये दो खड़ी हुई, एक ये वाली और एक ये वाली मेरे बेटे, और थोड़ी सी हल्की तो ये वाली, तो थोड़ी गंदी। हाँ बस को नहलाना है सेम कलर, और तीन ये वाइट ब्लैक एंड वाइट ऑस्ट्रेलियन, ये कम से कम 5 मन की तीनों है। तीनों? मेरा मतलब एक 5 मन की, तो तीन सेम बराबर है मेरे बेटे। और जो व्हाइट वाली ना, वो कम से कम 7-7.5 मन की, ये ब्राउन वाली। अच्छा, इनके क्या मांग रहे हैं? कौन सी वाली का? ये ब्लैक एंड वाइट है। इसमें तो देखो एक ना जोड़ी है, ये जो है ये दो, ये एक ये बैठी हुई जो है, और ये नहीं ये वाली है, और ना ये वाली है। वह कौन सी है? हमें तो खुद भूल गया। हाँ ये वाली है, ये जो स्टार्टिंग के ना ये जोड़ी है, इसके मैं मांग रहा हूँ 18 लाख रुपये। तो यार ये तो महंगी है। नहीं नहीं महंगी नहीं है, देखो आप देखो मांग रहा हूँ, कमी पेशी होगी, ये नहीं कह रहा कि भाई जो रेट है वही है। आपने बेल के पूछे आपको सेम वहाँ पे कितने के मिले? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, रेट बहुत कम मिलेगा आपको। हमारा तो टारगेट ये होता है कि कम से कम रेट बेचे, ताकि हर किसी को कुर्बानी करने का मौका मिले मेरे बेटे। लेकिन आजकल गरीबों के पास 15-16 लाख कहाँ होते हैं? अरे गरीबों के पास सबसे ज़्यादा पैसा, एक नंबर का मादा चोर होता है गरीब। बवाली यार ऐसा मत बोल, क्या हमारे बड़े भैया भी गरीब थे। चुप कर। अच्छा अच्छा, तो आप बताओ मुझे फिर, और बैल दिखा दे मुझे। आइए मैं आपको और बैल दिखाता हूँ, ये तो आपने देख ही लिया है। आपको वैसे किस कलर में चाहिए? मुझे ये पूरा वाइट चाहिए था, लेकिन वाइट तो अब जब पूरा है नहीं। पूरा भी मिल जाएगा, हम चूना मार देंगे। कुछ भी नहीं रहा है, ये थोड़ा संभल के गोबर फटा हुआ है। 4 बैल ये खड़े हैं, ये दोनों जोड़ी के। माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं, है ना? ये खूबसूरत, ये सेम हिसाब बराबर है, एक जैसे हैं, बस कलर का फर्क है, वजन भी सेम है, चारों चार डांटे हैं। जोड़ी के क्या मांग रहे हो? वो जो ब्राउन वाली है ना, ये ब्राउन वाली, इसके मैं मांग रहा हूँ 22.5 लाख रुपये। 22.5 वाली कम बता रहा है पागल के बच्चे? 22.5 तो कहूँ यार। अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाली तो बिक गई, ये वाली तो बिक गई यार। हाँ ये तो असलम भाई ले ली। हाँ ना, मैं वही तो बोलूँ, तुमने असलम भाई से इसके 5 लाख रुपये ले तो लिए। हाँ तो वो जो वाइट वाली है ना, वाइट वाली, उसके मैं मांग रहा हूँ 30 लाख रुपये। उसके 30 क्यों? अब वाइट और ब्लैक एंड वाइट है ना मेरे बेटे, इसका ये जो मैंने बेची 22.5 लाख में, ये दरअसल इसमें एक 6 डांट है, एक 4 डांट, इस वजह से। अच्छा अच्छा, हाँ साले कैसा कवर मारा है तूने, बच गया लांटी। आप बताओ फिर आपको कौन सी चाहिए? मैं यही सोच रहा हूँ, मैं दरअसल ना यार, आपको चाहिए कितना भी है पहले पूछ रहा हूँ। चाय वाय मंगवाओ आपके लिए, आओ चाय वाय पियो। आपको मैं ईमानदारी से बताऊँ कौन सा जानवर लो? हाँ जी बताइए। आप इधर आओ, आपको एक बहुत प्यारा नस्ली जानवर ये मैंने अलग ही बांधा हुआ है, ये वाला ले लो आप। ये क्यों? ये बहुत खूबसूरत है, आप जानवर को देखो। बात तो बिल्कुल कह रहे हो सही, ये मेरे पास सिंगल जानवर है और ये इन सब में भारी जानवर है। मारता मूरता तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ये देखो, ये देखो करीब खड़ा हूँ। हाँ ये देखो, प्यार कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं मारते मेरे बेटे। बच्चों को घुमाओ, रस्सी दे दो बच्चों के हाथ में, कुछ नहीं कहते मेरे बेटे। जब ने पाले? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता मेरे बेटे, खरीद के लाता हूँ। अच्छा अच्छा, जानवर वैसे खूबसूरत है। देखो लाल पीला नहीं, देखो अगर खूबसूरत भी है जानवर, भारी भी है। इसके आप क्या मांग रहे? इसके मैं मांग रहा हूँ 18 लाख रुपये। ऐसा क्यों? अब उसके तो वो वाइट वाली क्या, आप 16 मांग रहे हो? मेरे बेटे ही मैंने क्या कहा, ये सब जानवरों में मेरे पास सबसे भारी जानवर है। अच्छा हाँ, ये खूबसूरत भी है, कोई अजीब काकड़ी कलर भी नहीं है मेरे बेटे। अच्छा अच्छा, हाँ एक काम करें भाई, आप मुझे ना 2 जानवर निकाल दें। ये कोई कपड़े की दुकान तो है नहीं, निकाल दे बेटे, पसंद करो ना।
एक बछड़िया निकाल दे। अच्छा बछड़िया, ओके बछड़ी कौन थी? थोड़ी हल्की निकाल दो और जान बैल बड़ा कर दो। ठीक है मैडम बेटे, बैल देख लो आप। ठीक है दांत वाँत चेक करा दे। अरे बेफिक्र रहो, चार दांत है, दबान है, वो हम चेक करा देंगे मैडम बेटे। कोई बीमारी? ना ना कुछ भी, कोई खुर मुने कीड़ा वीड़ा नहीं है, बारिश हुई कोई बीमारी नहीं है। हाँ थोड़ा सा नजला हुआ है इसको, उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, दवाई दे दिए लेकिन एक दो दिन में सेट हो जाएगा। फिर भी अगर कोई मसला मेरे पास आना, मैं डॉक्टर लेकर आपके बताऊंगा। ठीक है मैडम बेटे, दंगल कोई मसला ना हो जाए फिर गुना मिलता। नहीं ना, अरे नजला है, बुखार थोड़ी है यार, अभी बैठी जानवर का भाई, कुछ भी नहीं। क्या एक जानवर बेचा है अभी? कुछ भी नहीं मेरे बेटे, बछड़ी बता दो। अब एक काम करो, ये बछड़ा बैल और मैं इसकी फोटो अपनी अम्मा को भेज दूँ। हाँ भेज दो क्यों नहीं, आप डिसाइड कर लो। मैं वहाँ जरा बैठा हूँ, मेरे टांगों में तकलीफ हो रही। हाँ अंकल अब बैठ जाओ, मैं बात करता हूँ। हाँ जी आपको क्या नाम है? यूसुफ भाई। हाँ जी, लांटी टू क्यों नहीं आना? बाली मैं गेम खेल रहा हूँ, 8 बॉल पुल है कमीना। देख लो मेरे बेटे आप ठहरिए ना। हाँ जी अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। पैसे वैसे गिन लिया आपने? हाँ मेरे बेटे, पैसे ज़्यादा देख ले तुम्हारा असली नोट है। हाँ अरे टेंशन नहीं, टैक कर लिया मेरे बेटे, बाकी अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। शुक्रिया अंकल, जजाक अल्लाह। चलो भाई। हाँ चलो आ जाओ, चलो आओ बैठो। बड़ा पानी दे दो यार। बोटे तू नहीं चल रहा? नहीं भाई तो मौका रहो यार, मैं वॉशरूम आ रहा, बहुत पेट खराब हो रहा है। चल जाइए मैं आता हूँ, करीब में ये छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ भाई जन बैठो, मत वहाँ से आ जाओ। यार ये कुछ होगा तो नहीं? अरे नहीं कुछ नहीं होगा, बैठो यार। ये बार बार बोल क्यों रहा है? ये बस अरे कुछ नहीं यार, जगह से जा रहा है। अभी मानते बताओ, हाँ की मानते चाहे जानवर दिलाए पैसा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। ये आपके सगे चाचा हैं? हाँ जी ये मेरे सगे चाचा हैं। तो आप उधर क्या कर रहे थे? यार मैं मंडी में गाड़ी चलाता हूँ इस दिनों में ना, तो मैंने आपको वहाँ देखा यार। मैंने कहा यार बहुत नाइंसाफी हो रही है आपके साथ, वो लोग ना आपको घेर रहे थे। हाँ यार मुझे भी ऐसा लग रहा था, वो मुझे घेर रहे थे, है ना। बस यही मैं आपको, फिर मैंने बोला यार मैं बीच में टांग अड़ाऊँ, आपके पास कोई हराम का पैसा थोड़ी है यार, जायज़ कुर्बानी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। अब अभी घर चलो, आपको खाना वाना खिला दो। अरे नहीं नहीं बस। अरे चलो यार, मैं बस क्या यार बात कर दिया आपने मेरे लिए, इतना करा, लाखों रुपये मेरे बचाए, मैं आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। चलो अब घर चलो, मैं आपको अपनी मेहमान नवाजी दिखाता हूँ। चले मैं रास्ता बता दी। हाँ चलो चलो अभी, अब चलो। ओके भाई अहमद भाई। और मोटे लांटी के बच्चे, हाँ चाचा जी, तुम लोग इसको घेर के कैसे लाए? अभी हम लोग सैंडी शोर्स की मंडियाँ घूम रहे थे, और वहाँ पे ना ये यूसुफ भाई ना काफ़ी टाइम से ना हम चाय पी रहे होटल में बैठ के, वहाँ पे जो मंडी में लगी हुई होती है। हाँ तो वहाँ पे ना फिर हम लोग इसको देख रहे थे, अब वहाँ पे ना चार पांच व्यापारी इसको पकड़ के ना घेर रहे थे। जैसा पीछे व्हाइट कलर का जानवर है, इसको वो चिपका रहे तकरीबन 20 लाख रुपये, ये मान नहीं रहा, ये अपने 15 लाख पे अटका। वहाँ 15 लाख कटो मेरे से भी लेकर गया है, लेकिन तुमने लाल के 18 बोल के 3 लाख कम कर दिए। आगे बहुत प्रॉफिट में हो मेरे बेटे, तू टेंशन नहीं ले। फिर आगे क्या हुआ? यूसुफ भाई बीच में चलेगा, मैंने मना किया, मैंने लगा फड्डा फड्डा ना हो जाए, चार पांच व्यापारी हैं वो, उनके वहाँ बोरियों में खंजर भी रखे होते हैं। हाँ ये तो है। फिर मेरे भाई यूसुफ भाई ने जाके बोला कि यूसुफ भाई ने ना बीच में जाके सौदा ख़राब करा दिया। यूसुफ भाई ने जाके बोला भाई मैं 25 दे रहा हूँ, तो ये पीछे हट गया। फिर यूसुफ भाई भी पीछे हट गए, तो हम दोनों पीछे हट गए। तो फिर यूसुफ भाई के पास गया, बोलने यार मैंने जानबूझ के उसको पूरी स्टोरी बताई कि अच्छा अच्छा किया, फिर उसको घेर के यहाँ लाए। रेड लांटी VIP बेटा, कमीशन निकाल दियो है मेरा यूसुफ भाई का अलग से। रेड लांटी का बात का, तुम दोनों का क्यों? अरे एक एक बंडे का दूंगा, एक बंडे को क्या, एक एक जानवर था 5% निकले, मैंने और यूसुफ भाई ने घेरा है, तो 5 मेरा 5 यूसुफ भाई का, तो हो गए ना। हाँ एक नहीं जो जानवर बिकवाए तेरे 20%। अबे क्या हो गया, ये तो बेईमानी है, हम दोनों ने तुम दोनों तो वैसे भी एक यूनिट हो मेरे भाई। यूसुफ भाई को आने दे, अट क्या उड़ लेगा, सिर्फ 10% दूंगा, आनी तो बातें नहीं करो आनी तो। तू गेम खेलना बंद करना यार। ठीक है भाली।